नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल खजाना में। और टुडे डिस्कस यूपी मेट्रिक में वैकेंसी आई है बहुत सारी। तो 84 या 83 वैकेंसी है लखनऊ, और बहुत सारी है। तो पैटर्न, सिलेबस और वैकेंसी के बारे में यहाँ डिटेल जानेंगे, और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वैकेंसी डिटेल पहले जान लेते हैं। वैकेंसी डिटेल कितनी है, जो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर, और एज पर रूल्स और एक्स्ट्रा आपको एज। डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन 20/11/2019, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22/11/2019-10, और अप्लीकेशन फ़ी टू पे द बिटवीन 22 to 23 के बीच पे कर सकते। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लीकेशन 23/12/2019, और डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड 3/1/2019। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम इन CBT 13/1/2020 में पेपर होगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, ये सब एग्जाम का पैटर्न है, और एग्जाम का डेट दे दिया है, ठीक है। और बात करते हैं हम वैकेंसी डिटेल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सिविल में 28 वैकेंसी है, अपर में 14, EWS में 2, जनरल में 7, SC में 5, वोमेन में 5, ASM में 1, और इलेक्ट्रिकल में 18 वैकेंसी है, और मैनेजर, ST अकाउंट, ये सब सारी वैकेंसी है। BTech इन सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अप्लाई एंट्री अंडर EWS, ओके। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट में ये है बहुत सारे 3 ईयर, और ये है जूनियर इंजीनियरिंग में 58 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 40 वैकेंसी, जूनियर ट्वेंटी में 17 वैकेंसी, ओके। तो ये बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। और आगे हम बात करते हैं पैटर्न क्या हो सकता है। पैटर्न में आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1/3 कट ऑफ मार्क्स में रॉन्ग आंसर, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 होंगे। ये सारे पैटर्न हैं, मतलब ये सारे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड 1-2 आवर का पेपर होगा, इसमें 2 आवर का, जो आवर हमें शायद ना लिख पाए हो, तो 2 आवर का पेपर होगा आपका, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1/3 कट ऑफ मार्क्स रॉन्ग आंसर पे होने वाला है, ठीक है। और सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश होगा, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन और टेक्निकल एप्लीकेशन ब्रांच वाइज होगा, ओके। तो पूरा बात हम कर लेते हैं। इंग्लिश में टेक्निकल में क्या, सिविल में सिविल की पूरी टेक्निकल सब्जेक्ट आएंगे, और मैकेनिकल में मैकेनिकल के पूरे सब्जेक्ट आएंगे, इलेक्ट्रिकल के